भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल के द्वारा भागलपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र के गोरट्ठा चौक से लेकर शीतला स्थान चौक तक का निरीक्षण किया गया। मेयर को जानकारी मिली थी कि गोरट्ठा चौक से लेकर शीतला स्थान चौक तक दोनों तरफ कच्ची नाली तथा सड़क का निर्माण पाइप बिछाकर वुडको द्वारा किया जाना है। निरीक्षण के दौरान मेयर ने बताया कि वुडको द्वारा इस कार्य हेतु एनओसी तो ले लिया गया है, लेकिन नाला सड़क का निर्माण ठीक से नहीं हो पाया है। पूछने पर वुडको के अभियंताओं द्वारा बताया गया है कि उनके पास डोमेस्टिक कनेक्शन का एनओसी नहीं है, इसलिए केवल एक तरफ का नाला बन पाया है, जबकि वुडको द्वारा ही हर घर में पानी का ब्लू पाइप भी जोड़ना था। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि कच्ची नाली एवं टूटी हुई सड़क के कारण पानी बढ़ने के दौरान रोड के दोनों तरफ से पानी निकलकर घरों में घुस जाता है और रोड पर परिचालन में आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नाला रोड काट कर नाले में ही मिल चुका है। मेयर ने बताया कि नाला सड़क बनने के लिए किस विभाग द्वारा इस क्षेत्र में यह कार्य किया जाएगा, यह सूचना लेकर समाचार पत्रों के माध्यम से बताया जाएगा। इसके बाद मेयर ने सिकंदरपुर स्थित बन रहे नए पानी टंकी का भी निरीक्षण किया, जिसमें बताया गया कि 2 से 3 महीनों में नवनिर्मित पानी टंकी को शुरू कर दिया जाएगा। मेयर ने कहा कि कन्वर्ट रोड पुलिया नाला का निर्माण बड़े नालों के पास बैरिकेडिंग तथा सड़क बनाने का कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मेयर के साथ उप महापौर पार्षद तथा बुडको एवं आरसीडी के अभियंता मौजूद थे। आज हम गोरट्ठा चौक से शीतला स्थान तक निरीक्षण करने के लिए आए थे। इसमें बहुत समस्याएं थी, बहुत सारा शिकायत था कि लोग जब चलते हैं तो गिर जाते हैं, और बारिश जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बहुत पानी जम जाता है और उसमें लोग नाले में गिर जाते हैं, रोड पे गिर जाते हैं। तो देखेंगे क्या समस्या है। इसमें हमने पाया कि बुडको वाले जो पाइप डाले हैं, एक तरफ डाले उसका भी एनओसी, उसका एनओसी उन्होंने लिया लेकिन रोड सही से नहीं बनाया, और दूसरे तरफ जो इन्होंने पाइप डाला है उसका एनओसी ही नहीं लिया आरसीडी वालों से। तो आरसीडी वाले इंजीनियर को भी हमने बुलाया था और अमित जी जो बुडको के इंजीनियर है उनको भी बुलाया था। तो दोनों का जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, समन्वय नहीं बनेगा, तो प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। तो दोनों को बुलवा के हमने निरीक्षण किया, तो अभी जो स्थिति है उसमें यही होगी कि जो पाइप बुडको वाले ने डाला है उससे ब्लू पाइप हर घर नल योजना के तहत जाएगा। जब ये पाइप निकल जाएगा फिर उस पर ढलाई हो जाएगी प्रॉपर, और नाला जो बनना है वो नाला आरसीडी वाले बनाएंगे, पीडब्ल्यूडी वाले बनाएंगे या निगम बनाएगी, इसका मैं विभाग से बात करती हूँ। जैसे मुझे पता चलेगा, यदि निगम को बनाना है तो निगम से बनेगा, जिससे बनना है वो बनेगा। रोड और नाला दोनों बनेगा गोरट्ठा चौक से शीतला स्थान तक। हाँ, वहाँ पर तो निजात मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे भी हमने बहुत देखा कि बहुत सारा प्रॉब्लम है। नाला रोड कट के नाले में मिल गया है तो उसकी भी स्थिति बहुत खराब है। उसके लिए भी मैं बात करूंगी विभाग से और उसको भी जितना जल्द हो समाधान करूँ। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक्स सैलून। लुक्स सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक्स सैलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक्स सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक मुद्दा फिर से बयान के तौर पर उफान में आने लगा है। रीजनल पार्टियों का वजूद और उसके भविष्य पर अक्सर सवाल उठते हैं। रीजनल पार्टी पर आरोप भी है कि वोटर को अग्रेसिव करने के लिए जातिगत आधार को वोट में तब्दील करते हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें तो सासाराम में भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों ने आम लोगों को जातियों में बांटा है, जबकि एनडीए के साथ 38 दल और इंडिया के साथ 26 दल है। बीजेपी के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि बीजेपी में सबका साथ सबका विकास का नारा है, लेकिन जाति के आधार पर वोट को देखते हुए जिन दलों को अपने दल में शामिल करना या साथ रखने पर कहते हैं कि यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
तो जो भी दल हमारे साथ आएंगे हम उनको विचार करके अपने साथ जोड़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? रीजनल छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ के जोड़ना चाह रहे हैं। हम किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे, हम जोड़ने वाले लोग। मोदी बनाम ऑल से सब लोग यही रहेंगे। मोदी बनाम ऑल से एनडीए बनाम ऑल हो गया, अब 38 पार्टी का सहयोग लेना पड़ा, कहां कमजोर? पहले भी तो एनडीए में लोग थे ही ना, अब मोदी जी के काम को देखकर लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी को मजबूत करने, इसीलिए तो सब लोग आए। हमारा कुंभा भर रहा है तो हमारे विरोधी को चिंता होना चाहिए, हमें तो खुशी हो रही है। इसमें जो रीजनल पार्टी में जाति का बू आती है, वोट लेने के लिए जाति पर बहस हो जाती है, सर इसको बढ़ावा तो मिल रहा है कहीं ना कहीं से? आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, जाति तो एक सच्चाई है। अब कोई जाति को इनकार तो नहीं किया जा सकता, अगर उस जात से समाज से कोई नेतृत्व पैदा होता है तो उसको कैसे मना किया जा सकता है? समाज ही नेतृत्व देता है, अब वोट के जरिए नेतृत्व मिलता है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ही है। हम तो सबको बराबर की निगाह से देखते हैं। भाजयुमो की भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 24 जुलाई से पूरे बिहार में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी, शिक्षकों के मुद्दे और 13 जुलाई को पटना में विधानसभा घेराव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठी चार्ज को लेकर सभी जिला एवं मंडल के मुख्यालय पर नीतीश कुमार सरकार के अत्याचार की प्रदर्शनी लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर भागलपुर के अतिथि कक्ष में एक प्रेस वार्ता रखी गई। जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष भाजयुमो चंदन ठाकुर ने दी। प्रेस वार्ता के दौरान चंदन ठाकुर ने बताया कि पूरे बिहार में 24 जुलाई से 8 अगस्त तक यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा जनरल डायर की नीति जो लोकतांत्रिक देश में चलाई जा रही है वो नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने कहा था कलम की पहली स्याही से नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन उन लोगों ने कलम की स्याही से खून का छींटा देने का काम किया है। शिक्षक अपनी हक की मांग करते हैं तो उस पर लाठी बरसाया जाता है, यह कहां तक सही है? साथ उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज अगवानी पुल जो के पत्ते की तरह ढेर हो गया है उस पर भी नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। इसमें साफ तौर पर एसपी सिंगला कंपनी और नीतीश सरकार की मिली भगत दिखती है। साथ उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों का हस्ताक्षर लिखित तौर पर राज्यपाल को सौंपा जाएगा और नीतीश कुमार की जनरल डायर वाली कार्यशैली राज्यपाल तक पहुंचाई जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान भाजयुमो भागलपुर इकाई के चंदन ठाकुर, अमित सुधाकर, सोनू, रोहित कुमार, सिद्धार्थ सोलंकी के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। किया गया है मुख्यतः जिस प्रकार से नीतीश सरकार ने हमला किया, अभी जो हम लोग शांतिपूर्ण कार्यक्रम कर रहे थे पटना में, भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया गया नीतीश सरकार के द्वारा, उसमें हमारे जहानाबाद के एक कार्यकर्ता की शहादत हो गई, महामंत्री हमारे थे जहानाबाद से, और ना जाने कितने माताओं के ऊपर लाठी बरसाया गया और भी कितने कार्यकर्ताओं को बेरहमी से मारा गया। तो ये जनरल डायर की नीति लोकतांत्रिक देश में नहीं चलेगी और इसका विरोध युवा सिर्फ मौखिक तौर पर नहीं लिखित तौर पर करेगा और इस हस्ताक्षर अभियान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। उसके बाद जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा नीतीश सरकार ने किया था, माननीय तेजस्वी यादव जी ने किया था, ये 10 लाख सरकारी नौकरी इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि कलम की पहली स्याही से मैं नौकरी दूंगा, लेकिन ये कलम की पहली स्याही से नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, ये कलम की पहली स्याही से खून का छींटा जरूर दे रहे हैं। दूसरा, शिक्षक के मुद्दे के ऊपर मैं आता हूँ। शिक्षक के मुद्दे के ऊपर आज एक शिक्षक की ही बदौलत हम पढ़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़े हैं, उप मुख्यमंत्री जी पढ़े हैं, लेकिन आज शिक्षक के मुद्दे के ऊपर अगर आते हैं तो आज अगर शिक्षक अपना हक मांग रहा है, अपने कार्य को जो वो कर रहा है उसके अधिकार को मांग रहा है, तो ये कहाँ गलत है? सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में सावन की तीसरी सोमवारी पर बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी, नेपाल के हजारों कांवरिया अजगैवीनाथ के उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए स्थानीय पुरोहित से संकल्प कराते हुए अजगैवीनाथ धाम से पैदल व वाहन से गंगा जल लेकर बोलबम व हर महादेव के नारों के साथ देवघर वैद्यनाथ धाम की ओर रवाना हुए। शिव भक्त कांवरियों ने बताया कि मलमास सावन है और तीसरी सोमवारी होने पर आज का दिन शुभ है। बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने निकले हैं। बाबा भोलेनाथ हम सब की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथ ही अजगैवीनाथ मंदिर के शिवालयों, आसपास की शिवालयों में भी सुबह से बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी देखी गई। शिव भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग में जल चढ़ाते हुए और मन्नतें मांगते देखे गए।
भागलपुर जिले में ऐसे भी शिव भक्त मिले जिन्होंने अपनी बाइक पर बाबा भोलेनाथ के मंदिर की स्थापना कर ली है और बाबा भोले के मंदिर नुमा झांकी को बाइक पर लगा बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर के दर्शन को निकल पड़े हैं। वहीं जब भक्त त्रिलोकीनाथ से पूछा गया कि कब से इस तरह की सजावट कर बाबा भोले के दरबार में जा रहे हैं तो उनका कहना हुआ कि लगातार 5 वर्षों से हर साल अलग अलग तरह के झांकी के साथ बाबा के दरबार जाता हूं। जब से जा रहा हूं सुखी संपन्न हूं, इसलिए बाबा के प्रति इतनी आस्था है कि हर साल बाइक से बाबा के दर्शन जाता हूँ। कहाँ से निकाले हो? ये अपने शिव मंदिर से निकाले हैं। शिव मंदिर से कहाँ जाना है लेकर? बासुकीनाथ देवघर। बासुकीनाथ मतलब पहली बार की? पहले भी निकाले? पहले भी निकाले। कितने वर्षों से निकाले? ये 5 साल से निकाले। 5 साल से। क्या है निकाले, क्या कुछ आस्था है कैसे? ये जब से हम निकाले तब से सुखी संपन्न है। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ। कब जाना है बासुकीनाथ? आज 3:30 बजे भोर में आज जाना है। पूर्व मेयर डॉक्टर वीना यादव और एमएलसी डॉक्टर एनके यादव को द्वारा भागलपुर व आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है। इस कलयुग में बच्चे अपने परिजन से नहीं मिल पाते या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो मिल नहीं पाते और उनका दाह संस्कार करा दिया जाता है, लेकिन अब उनकी अंतिम विदाई से पहले वो मिल पाएंगे। मृत्यु होने के बाद भी 4 से 5 दिनों तक सबको रखने की व्यवस्था डॉक्टर वीना यादव और डॉक्टर एनके यादव के द्वारा की गई है, जिसका नाम रखा गया है स्वर्गधाम। पहले भी इनके द्वारा सब वाहन की सुविधा शहरवासियों को दी गई थी, अब स्वर्ग धाम से लोगों को यह सुविधा मिलेगी कि अगर किसी का देहांत हो जाता है तो उसमें 4 से 5 दिन तक सबको सुरक्षित रखा जा सकेगा और परिजन आकर मिल सकते हैं, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो सकेगा। इस स्वर्ग धाम का आज विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें डॉक्टर वीना यादव, डॉक्टर एन के यादव, डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के अलावे दर्जनों शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसका स्वर्ग धाम बोला जाता है। मानव कर्म से महान होते हैं, जन्म से महान नहीं होते। अपने कर्मों के प्रति हमेशा ही जागरूक रहना चाहिए और इस तहत शहरवासी को समर्पित मृत्योपरांत जिस तरह सब वाहन के लिए हम सोचे मृत्योपरांत के लिए गाड़ी नहीं मिलती है तो सब वाहन का पहले शुरुआत की, उसके बाद जिसके बाल बच्चे बाहर रहते हैं और माता हो पिता हो उनका स्वर्गवास हो जाता है तो शायद रखने में कड़ाके की धूप रहे या बारिश रहे कैसे रखा जाए। पहले था बर्फ का सिल्ली कि बर्फ के सिल्ली में रखा जाएगा, लेकिन फिर भी वो बहुत असंभव बुझाया। बर्फ कहाँ से लाया जाए, बुरादा कहाँ से लाया जाए, ये हेवन शूज इसका नाम रखे हैं ताकि जो ज़रूरतमंद है जिसके बच्चे बाहर हैं। आजकल का ये कलयुग है कि जीवित रहते हुए भी माँ और बच्चे में भेंट नहीं हो पाती है और ये हेवन सील ऐसा है, स्वर्गवास ऐसा है कि आप माता पिता जो भी है इनको आराम से आप रखिए, कोई सड़ेगा गलेगा पचेगा नहीं और फिर उनके बच्चे आएंगे जो भी उनके परिजन हैं वो दर्शन करेंगे। गरीब लोगों को लेकर क्या सुविधा? गरीब लोगों के लिए भी है, गरीब लोगों के लिए आप स्वर्ग वाहन क्या सबका कोई रेट फिक्स है। भागलपुर जिला इकाई के भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार साहा ने कहा कि बूथ समितियों और पन्ना प्रमुखों के सहयोग से बूथ विजय अभियान के तहत आगामी चुनाव में सफलता की इबारत लिखी जाएगी। इसके लिए सभी मंच मोर्चा की टीम की तैयारी करनी होगी, समय बहुत कम है। यह बात उन्होंने भागलपुर एवं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक में तिलकामांझी स्थित एक विवाह भवन परिसर में कही। वहीं लोकसभा प्रभारी रामचंद्र चौधरी ने कहा कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल करेंगे। विधानसभा प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि पन्ना समितियों के गठन का काम भी तेज किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान लोकसभा विस्तारक सतीश चंद्र, अंजना रोशन सिंह, मनीषा, राजेश टंडन, श्वेता सुमन, प्राणिक वाजपेयी, चंदन ठाकुर, निरंजन चंद्रवंशी, पंकज गुप्ता, आशीष सिंह के अलावे दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। आज भागलपुर विधानसभा के कोर कमेटी की बैठक है, अब पूर्णतः यह कामकाजी बैठक है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनिक ढांचे के आधार पर चुनाव होती है। आज की इस बैठक में हमारा जो शक्ति केंद्र है, हमारी जो बूथ कमेटी है, तो आज की बैठक के बाद शक्ति केंद्र पर भी हमारी बैठकें होंगी, उसकी रणनीति उस बैठक को लेने के लिए हम लोग जाएंगे। ऐसे भागलपुर विधानसभा में 26 शक्ति केंद्र है, उन 26 शक्ति केंद्रों पर यहाँ से तय होंगे और जो विधानसभा की कोर कमेटी है, विधानसभा के अंदर जो जिलाधिकारी हैं, मोर्चा के
अधिकारी हैं उनको तय करके हम लोग भेजेंगे और शक्ति केंद्रों पर जाकर बैठक लेंगे। और बैठक में जो पन्ना प्रमुख और पेज प्रमुख की जो हमारी संरचना है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा है कि शिक्षक संगठन भुष्टा के महासचिव डॉक्टर पवन कुमार सिंह गलत बयानबाजी कर विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त कर्मियों को गुमराह करने का काम बंद करे, इससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है। दो दिन पहले राजभवन में कुलाधिपति के साथ बैठक हुई, इस पर राजभवन में पेंशन मामले को लेकर 19 सवाल विश्वविद्यालय से पूछे थे। इसका जवाब कुलाधिपति के समक्ष रखा गया है। कुलाधिपति ने बैठक में शामिल दूसरे विश्वविद्यालय के कुलपति को भी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से पेंशन मामले में निष्पादन करने के लिए टिप्स लेने को कहा। कुलपति अपने सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने व गलत बयानों को सोशल मीडिया में सर्कुलेट करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी सूची तैयार कर लीगल सलाह देने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भुष्टा के महासचिव बिना किसी आधार के गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उनका आरोप निराधार और गलत है। अगर ऐसा मामला है तो ऐसे लोग लिखित आवेदन विश्वविद्यालय को दे, उनके अधिकारी से मिले। जितने लोगों के पेंशन व वार्तालाप को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाते हैं, उन लोगों में से कुछ तो पेंशन संबंधित कागजात भेज दिए हैं, सबका काम प्रोसेस में है। प्रेस वार्ता के दौरान विश्वविद्यालय के कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इसलिए कोई भी बात अगर कोई व्यक्ति, ये लोग जो लिखते हैं पवन कुमार सिंह की राजभवन को गुमराह किया जा रहा है, तो वो मैं उनकी बात को खंडन करता हूँ। यह बिल्कुल ही वो गुमराह कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं समाज को, वो गुमराह कर रहे हैं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को। और एक एक प्रश्न जो आज अखबार में जो आया है उसका भी मैं आप लोगों को प्रश्न का उत्तर दे दूँ। उन्हें ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या पवन कुमार सिंह को मालूम है डे टू डे कि मैं रिटायरमेंट के लिए हम लोग कितने लगे हुए, हमारे अधिकारी है रजिस्ट्रार है ना, हमारे पेंशन ऑफिसर, हमारे सेक्शन ऑफिसर, ये लोग पेंशन पर काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि राजभवन को कुलपति गुमराह कर रहा है, तो यह उनकी जो है वो पूर्वाग्रह है ना, और साथ साथ उनके पूर्वाग्रह की मानसिकता, कुंठा की मानसिकता को बतलाता है। वो पता नहीं वो किस तरह से इस तरह अलूल जलूल जो है बयान देते रहते हैं अखबार में। जो रिटायर्ड व्यक्ति है, मैं भी रिटायर्ड व्यक्ति हूँ, आप लोग को ये पता होना चाहिए, उनके प्रति मैं काफ़ी संवेदनशील हूँ। मुझे पता है कि रिटायरमेंट के बाद हमको पेंशन मिलने में कितनी दिक्कतें आई थी। इसलिए किसी को कहने की बात नहीं है, कोई नेतागिरी अगर चमकाना चाहते हैं तो वो चमकाए, लेकिन किसी भी हालत में विश्वविद्यालय को सोशल मीडिया पर अलूल जलूल लिख करके विश्वविद्यालय को कलंकित नहीं करें, विश्वविद्यालय को बदनाम नहीं करें। इसको मैं काफ़ी स्पीड से और अच्छे ढंग से ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर इस तरह की बात सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी होती है तो इसे बाहर सोसाइटी में जाता है, सोसाइटी का इम्प्रेशन विश्वविद्यालय। माँ आनंदी संस्थान महिला उद्यमिता कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में जगदीशपुर ब्लॉक के अंतर्गत फुलवरिया वार्ड नंबर 7 एवं वैजानी वार्ड नंबर 2 में बैठक रखी गई, जिसमें 200 से अधिक महिलाएं शामिल हुई और संस्था द्वारा चलाए जा रहे सभी कोर्सेज जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, पार्लर कोर्स, सिलाई, घरेलू उत्पाद संबंधित बातें बताई गई एवं इस कोर्स को करने के पश्चात उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा और उनके द्वारा बनाए हुए सामग्री को बाजार तक पहुंचाने का कार्य संस्था के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं को उद्यमी बनाना तथा उनकी उद्यमिता क्षमता का विकास करना है, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता ही महिला सशक्तिकरण का मूल मंत्र है।